हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 4। इसमें जो पोयम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री द्वीप की एक झील, इसके कम्प्रहेंसन को सेक्शन 1 हमने कवर किया था। टोटल 3 क्वेश्चन थे, 1 बाई 1 कवर किए थे। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 2 को। अगर आपको फर्स्ट नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, लुक एट द वर्ड द पोएट्स यूज द डिस्क्राइब वाट ही सीज एंड हियर्स एट द इनिसफ्री। इन शब्दों को देखिए जो कवि ने उपयोग किए हैं, जो उसने देखा और जो सुना है इनिसफ्री में। फर्स्ट आपका है बी लाउड ग्लेड, जो मधुमक्खियाँ हैं खुशी खुशी तेजी से गुनगुनाती हैं। इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, जो सामे हैं वो लिनेट पंछियों के पंखों से भरी हुई है। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, झील का पानी है वो मध्यम गति का स्वर बनाता है। व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, आपके मस्तिष्क में ये जो शब्द हैं कौन सी पिक्चर को क्रिएट करते हैं वो बताना है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसे शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है सेक्शन 2 के, इट रिसेम्बल्स एन इमेज ऑफ बजिंग बी, ये एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खियों की जो छवि है उसको प्रदर्शित करती है। सेकेंड है इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, इससे कौन सी इमेज प्रदर्शित होती है, उसका आंसर है इट रिसेम्बल्स एन इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई इन द इवनिंग, ये हमारे जो मन में एक लिनेट पंछी हैं उनको शाम के वक्त आकाश में उड़ने की जो छवि है इमेज है उसको प्रदर्शित करती है। थर्ड आपका लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, जो झील का पानी है मध्यम स्वर उत्पन्न करता है, तो इससे हमारे मन में कौन सी इमेज बनती है, उसका आंसर है इट इज द लवली सीन ऑफ द लेक वाटर विच मेक्स अ सॉफ्ट प्लीजेंट साउंड, ये जो है झील के पानी का एक सुंदर चित्र है जो एक धीमा और आनंददायी जो साउंड है ध्वनि है उसको उत्पन्न करता है। ये था क्वेश्चन 1 जिसमें 3 क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड हमने कवर किए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 का क्वेश्चन 2, लुक एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। पीस कम्स ड्रॉपिंग लो, जो शांति है धीमे धीमे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और जो पर्दा है सुबह का वेल पर्दा है वो धीमे धीमे गिरता है जब जो क्रिकेट है झींगुर है गाते हैं। तो इससे इन दो जो वर्ड्स हैं लाइनें हैं इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू, व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, कुछ बातें हैं इन लाइनों का आपके लिए क्या मतलब है। कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, इससे आप क्या समझते हैं, और टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पे जो झींगुर हैं गाते हैं, इनका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है दीज वर्ड्स मीन्स पीस ऑफ, दीज वर्ड्स मीन पीस ऑफ द माइंड, इसका इन शब्दों का जो मतलब है वो एक मस्तिष्क की शांति है। विच कम स्लोली इन द नेचुरल सराउंडिंग, जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें धीमे धीमे आता है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, इस लाइन का क्या मतलब है, तो इट मीन्स व्हेन मॉर्निंग कम्स, जब सुबह आती है क्रिकेट सिंग्स प्लीजेंटली, तो झींगुर प्रसन्नता से गाते हैं। एंड एड स्वीटनेस टू दिस पीस, और इस शांति में
एक मधुरता को जोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन टू, वन और टू क्वेश्चन, जिनको हमने वन बाय वन कवर किया है। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।